आप सबका स्वागत है। आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12 फरवरी की शुरुआत की। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अनोखा टॉपिक भी है एंड आज हम बात करेंगे कि कैसे लोग सोचते हैं, इंसान सोचता है कि परमपिता परमात्मा से ही हम डायरेक्ट वही डिसाइड करेंगे कि हम स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे हमारे कर्मों के अनुसार, बिकॉज वो लास्ट जज होंगे। लेकिन यहाँ पर एक और एडिशन हो रही है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहें या एडम कहें, विदाउट द जजमेंट ऑफ गॉड फादर, परमपिता परमात्मा और ब्रह्मा के जजमेंट के बिना हम गेट्स ऑफ हेवन में एंटर कर नहीं सकते। मतलब कि हम परमात्मा के द्वारा सब कुछ, सारे अपना भाग्य पा नहीं सकते। उसके कुछ रीजंस हैं जो कि आज हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं कि सहज विधि द्वारा विधाता को अपना बनाने वाले सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर भव। विधाता भाग्य विधाता परमात्मा, जिनको इस कारण से उनको भगवान कहते हैं। तो परमपिता परमात्मा भाग्य विधाता को अपना कैसे बनाए? भाग्य विधाता को अपना बनाने की विधि है बाप और दादा दोनों के साथ संबंध। तो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान देते हैं, हमें ब्रह्मा ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध करना शुरू करते हैं, ताकतवर बनाना शुरू करते हैं, अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस ले आते हैं, अपने अंदर दिव्यता ले आते हैं, डिविनिटी जो हमने खो दी उसको हम वापस लेके आते हैं, जिस कारण से हम सत्ययुग में जाने के लायक या स्वर्ग में जाने के लायक बनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं कि दोनों से संबंध क्यों, अब ये देखते हैं इसको। कई बच्चे कहते हैं हमारा तो डायरेक्ट निराकार से कनेक्शन है, हमें सिर्फ बिंदु प्रकाश को ही याद करना है, हमें और किसी से संबंध नहीं है। साकार ने भी तो निराकार से पाया, जो ब्रह्मा बाबा थे उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी किसको याद किया, निराकार को याद किया और उनसे क्या किया, प्योरिटी पाई। हम भी उनसे सब कुछ पा लेंगे, लेकिन ये खंडित चाबी है, बोलते ना स्वर्ग में एंटर करने की चाबी, मतलब स्वर्ग में स्वर्ग के दरवाजे को खोलने की चाबी दोनों है, शिव परमात्मा और साथ साथ ब्रह्मा। सिवाय ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि ब्रह्मा के आचरण में चलना, ब्रह्मा मतलब एडम, परमात्मा ने एडम को जो पाठ पढ़ाया सिखाया उसके हिसाब से एडम स्वर्ग में गए और एडम ही ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा निकले ब्राह्मण, ब्राह्मण वो जो कि ब्रह्मा की औलाद हुई, मुख के द्वारा ज्ञान सुनी हुई औलाद, जिन्होंने ब्रह्मा के तरीके से अपना जीवन भी व्यतीत किया, खान पान से लेकर के उठने बैठने से लेकर के सोच से लेकर के कर्तव्य से लेकर के। तो परमात्मा कहते हैं ब्रह्म कुमार कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता, सिवाय ब्रह्म कुमार बनने के या कुमारी बनने के भाग्य बन नहीं सकता, क्योंकि हमें ब्रह्म के आचरण में चलना है तभी। एंड प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सूक्ष्म वतन में होंगे, वहां पर चेक कर रहे होंगे, वेट कर रहे होंगे। सटल वर्ल्ड है, 3 लोक में से सबसे नीचे लोक जहां आज हम हैं, आवास की दुनिया, फिर एंजेलिक वर्ल्ड या देवलोक, और उसके ऊपर हो गया आपका निराकार दुनिया, ब्रह्मांड हो गया। तो ब्रह्मांड जाने से पहले हमें यहाँ पर बीच के लोक में हमें अपना हिस्सा किताब देना पड़ता है। हम शरीर छोड़ के जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तो वहां पे प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठे होते हैं, वहां पे परमात्मा शिव भी होते हैं, और फिर उनके सामने और भी अष्ट रत्न होते हैं, 8 और आत्माएं होती हैं जिनके सामने ट्रिब्यूनल होती है। वहां पे क्या होता है, हमारा सब चिट्ठा विट्ठा सारा निकाला जाता है कि आपने क्या क्या कर्म किए, क्या सोचा, क्या बोला, क्या आपने कर्म किए। तो इसका मतलब ब्रह्मा भी हो गए, वो भी डिसाइड करते हैं कि हम अगले युग में कैसे एंटर करते हैं, किस पोजीशन में एंटर करते हैं, कितनी पवित्रता के साथ एंटर करते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ परमपिता परमात्मा से ही नहीं हो सकता। तो परमपिता परमात्मा को तो याद करना है, लेकिन हमें ज्ञान किसके द्वारा मिला, ब्रह्मा के द्वारा। तो रिस्पेक्ट टू ऑल ब्रह्मा एंड ब्रह्मा बाबा को रिस्पेक्ट देने के लिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना बहुत जरूरी है। साकार के बिना सर्व भाग्य के भंडारे का मालिक बन नहीं सकते। अगर ब्रह्मा बाबा के तन में नहीं आया तो कैसे पता चलता है, क्योंकि भाग्य विधाता भाग्य बांटते ही हैं ब्रह्मा द्वारा, वो हमें ब्राह्मण बनाते हैं। तभी इसलिए कहा जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि आदि काल में भगवान ने ब्राह्मणों को रचा और ब्राह्मणों के द्वारा नई दुनिया को रचा, ये भगवद गीता में लिखा हुआ है। तो आदि काल आ गया, आदि काल आदम और बीबी, एडम और ईव का टाइम आ गया, क्योंकि अब कलयुग का अंत होने वाला है और सत्युग की आदि होने वाली, सत्युग की शुरुआत होने वाली, तो आदि काल आ गया फिर से। और ये अनंत बार ये आदि काल आता रहता है ना, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सत्युग त्रेता फिर द्वापर कलयुग। तो यहाँ पे आदि आ गया ऊपर, फिर सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, कलयुग का अंत हुआ फिर आदि आ गया। तो बार बार आदि काल में परमात्मा आते हैं और ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं, जो कि श्री कृष्ण का अंतिम जन्म होता है, उसमें आकर के वो उनको श्याम से सुंदर बनाते हैं। तो ब्रह्मा की आत्मा जब सुंदर बनती है, वो अगले जन्म श्री कृष्ण बनती है, और हम भी जब ब्राह्मण बन जाते हैं, हम सुंदर बन जाते हैं, तो हम श्री कृष्ण और राधे के
वंशज बन जाते हैं सत्युग में। उसे परमात कहते हैं, तो विधि को जानकर सर्व भाग्य के खजानों से भरपूर बनो। विधि यही है कि हमें दोनों को फॉलो करना है, दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए प्रेम से उनके साथ में संबंध जोड़ना है। और डायरेक्ट संबंध जोड़ते हैं तो भक्ति मार्ग में जुड़ता है, लेकिन अभी ज्ञान मार्ग में ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही संबंध जुड़ता है। इसको और समझने के लिए कि ये एडम ईव सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग साइकिल चलता रहेगा, स्टार्टिंग में ब्राह्मण रचे थे, ये सारी चीजें समझने के लिए आपको ब्रह्म कुमारीज में आके समझना पड़ेगा। अब ज्यादातर यहाँ पे हम ब्राह्मण वर्ड जो यूज कर रहे हैं वो इसलिए यूज नहीं कर रहे कि जो भी ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ उसका मतलब उनको सब कुछ ज्ञान है इस चीजों के बारे में। तो ये ज्ञान क्या क्या है, मैं कौन हूँ, मेरे परमपिता परमात्मा कौन है, और फिर ये चक्र कब से शुरू हुआ है, हमारे इसमें प्रवेश था कब हुई इस चक्र में, और ये दुनिया का कलयुग का अंत कब होगा, और दुनिया फिर से सत्युग कब बनेगी, ये सारा ज्ञान जिसके पास में है वो ब्राह्मण है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है वो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के भी लेवल्स होते हैं उसमें भी प्योरिटी के हिसाब से, तो वो अलग बात है जो कि आप ब्रह्मा कुमारीज में आके सीख पाएंगे। ओम शांति इसके साथ।